हम धन्यवादी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। मैं हिमाचल के लोगों से क्या सारे देश के लोगों से जब भी बात करते हैं बड़ी आत्मीयता से करते हैं, और हिमाचल में तो वर्षों तक रहने के कारण प्रत्येक क्षेत्र को प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। आज का अवसर हमारे लिए सचमुच में स्वर्ण अवसर था। हिमाचल प्रदेश ने वो उपलब्धि प्राप्त की है कि शत प्रतिशत टीकाकरण का पहला दौर पूरा कर लिया है और देश में प्रथम रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पैरामेडिकल स्टाफ ने, मेडिकल स्टाफ ने, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने, आशा वर्कर्स ने और अन्य सभी विभागों के कार्यकर्ताओं ने, वर्करों ने बहुत शानदार काम किया है। हमने सुना जैसे कि एक वैक्सीनेशन करने वाली कर्मी की पैर में चोट आ गई, फ्रैक्चर हो गया, उसके बावजूद वो लगी रही और उसने 22,500 लोगों को टीकाकरण किया है। इसका अर्थ है एक समर्पण की भावना से हमारे सब लोग लगे थे। भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने केंद्र की मदद से इतने शानदार प्रबंध किए कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसलिए मुख्यमंत्री जी उनकी टीम को और सारे वर्कर्स को, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स थे, चाहे पैरामेडिकल के थे या अन्य कोरोना वॉरियर्स थे, उन्होंने जो काम किया वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। इसलिए प्रधानमंत्री ने सराहना भी की है और ये आशा व्यक्त की है कि जो दूसरा दौर होगा जब दो टीके सबको लग जाएंगे, इसमें फिर हिमाचल प्रदेश प्रथम रहेगा। इसके लिए सबको धन्यवाद भी, बधाई भी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं।